हदीस नंबर 5366। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चांदी की अंगूठी देखी, फिर सहाबा कराम ने चांदी की अंगूठी बनवा कर पहन ली, फिर आपने अपनी अंगूठी को फेंक दिया तो सहाबा कराम ने भी अपनी अंगूठियाँ फेंक दी। हदीस नंबर 5367। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चांदी की अंगूठी देखी तो तमाम लोगों ने चांदी की अंगूठियाँ बनवा कर पहन ली। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठी को फेंक दिया तो लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ फेंक दी। हदीस नंबर 5368। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की और सनद भी जिक्र की है। हदीस नंबर 5369। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी चांदी की थी और उसका नगीना हबशा का बना हुआ था। हदीस नंबर 5370। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाहें हाथ में चांदी की अंगूठी पहनी जिसमें नगीना हबशी था। आप इस नगीने को हथेली के रुख रखते थे। हदीस नंबर 5371। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की एक और सनद जिक्र की है। हदीस नंबर 5372। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उस उंगली में थी, ये कहकर उन्होंने बाएं की छंगली उंगली की तरफ इशारा किया।